मॉर्निंग क्लास आज हम चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। पहले हम यहां तक के पोर्शन की इक्वेशन बनाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि टू वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन बनानी है, तो आपको यहाँ पर दो पर्सन है, एक आफ्ताब है और एक उसकी डॉटर, तो दोनों की हम अलग अलग से जो है एज्यूम करेंगे एज। और कौन सी एज एज्यूम करेंगे? प्रेजेंट एज। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की प्रेजेंट एज हमने क्या मान ली? एक्स ईयर्स मान ली। और दूसरा पर्सन कौन है? उसकी डॉटर, हिज डॉटर, द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, इसको हम मान लेंगे वाई ईयर्स। एक की एक्स ईयर्स मान ली और एक की वाई ईयर्स। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे। यहां पर कह दे रहे हैं 7 years ago आज से 7 साल पहले। क्या था 7 साल पहले? इन दोनों की एज में 7 साल कम हो जाएंगे। 7 years ago द एज ऑफ आफ्ताब एक्स माइनस 7, 7 साल पहले क्या होगा? 7 साल जो है माइनस हो जाएंगे। और उसकी डॉटर की एज में से भी ऐसे ही, वाई माइनस 7। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो आफ्ताब की एज है एक्स माइनस 7 इक्वल टू वाई माइनस 7, ये जो एज है वो इस एज से 7 times है। आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की एज से 7 times है। हमें क्या करना है? दोनों को इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे? उसकी डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो इसके इक्वल हो जाए। एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7। ब्रैकेट को ओपन करो, 7y माइनस 7 जा 49, इन दोनों को इधर ले आएंगे। एक्स माइनस 7 माइनस 7y प्लस 49 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई हमारी फर्स्ट। यहां तक का पोर्शन हमारा सॉल्व हो गया। अब क्या है? आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, 3 साल के बाद हम क्या करेंगे? 3 साल जो दोनों की एज में 3-3 साल ऐड हो जाएंगे। 3 years फ्रॉम नाउ द एज ऑफ आफ्ताब एक्स, आज से 3 साल बाद क्या हम 3 साल ऐड हो जाएगी। जब हम पहले की बात करते हैं तो माइनस करते हैं और बाद वाली बात करेंगे तो ऐड करेंगे, एक्स प्लस 3। 3 साल बाद है तो 3 ऐड हो जाएंगे, 4 साल बाद 4 ऐड हो जाएंगे, 7 साल बाद 7 ऐड हो जाएंगे। उसकी डॉटर की एज में भी ऐसे ही, वाई प्लस 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 3 साल के बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। अब देखो यहां 7 times हमने 7 से मल्टीप्लाई किया था उसकी डॉटर की एज को, अब 3 times है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे यहां पर एक्स प्लस 3 इक्वल टू वाई प्लस 3 कब होगा? जब हम y प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस 3
ब्रैकेट ओपन करो, 3y प्लस 3 जा 9, x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां पर देखो माइनस का 9 था, प्लस का 3 था, माइनस हो जाएंगे, साइन कौन सा रहेगा जो बड़े नंबर का, तो माइनस 6 आ गया। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो थी x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 और दूसरी है x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कई बार तो क्वेश्चन आता है कि इसको अल्जेब्रिकली आप जो है सॉल्व करो, तब तो आपको क्या करनी है, दोनों इक्वेशन बना के दिखा देंगे। बट अगर हमें इनकी प्रेजेंट एज अगर आपको फाइंड करनी है, तो हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, हमें इन दोनों इक्वेशंस की का यूज करके इसको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहां तक क्लियर है सबके? हमारे पास दो इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूं। सेकंड इक्वेशन क्या आई, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिससे आपको दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड आउट हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन लेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों बाकी जो दो टर्म बची उनको इक्वल टू से दूसरी साइड पे ले जाएंगे। माइनस 7y का क्या हो जाएगा, प्लस 7y, माइनस प्लस 42 क्या हो जाएगा, माइनस 42। ये x की वैल्यू आ गई, क्या ही हुई, x इज इक्वल टू 7y माइनस 42। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू को फाइंड आउट किया है, पुट किस में करेंगे, सेकंड में। ऐसा नहीं कि हमने फर्स्ट से ही x को निकाला और फर्स्ट में ही पुट कर देंगे, फिर गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और दूसरी इक्वेशन में x के प्लेस पे उसको पुट करेंगे बाय पुटिंग the value x in equation second, x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 7y minus 42, आगे उसके बाद वाली इक्वेशन वैसी आ जाएगी, minus 3y minus 6 is equal to 0, 7y में से 3y गए, 4y, 42 और 6 दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, 48 इक्वल टू 0, 4y इज इक्वल टू 48, y इज इक्वल टू 48 बाय 4 और y की वैल्यू क्या आई भाई, 12 आ गई। क्या आई, अब y क्या मान ली हमने, डॉटर की एज मान ली, तो y की वैल्यू 12 आ गई। हमें इसी तरह से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं y की वैल्यू को, और थर्ड में, थर्ड में ज्यादा इजी रहेगा। अगर हम थर्ड में y के प्लेस पे y की वैल्यू पुट करेंगे, तो x की वैल्यू इजीली जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। by putting the value of y in, अब पुटिंग के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड में पुट करेंगे, थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू 7y के प्लेस पे क्या आएगा, 12 आ जाएगा, माइनस 42, 12 7 जा 84 माइनस 42, x इज इक्वल टू 42 आ जाए। अब x हमने क्या माना था भाई, द एज ऑफ
आफ्ताब इक्वल टू 42 इयर्स और द एज ऑफ हिज डॉटर इक्वल टू 12 इयर्स। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू।